So hi and welcome back to this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. और मैं जब last live नहीं last सवाल संडे कर रही थी तो there was this one सवाल जहाँ पे student wanted to know about MBA in fashion management. तो उस वीडियो में मैंने जवाब तो नहीं दिया था बट मैंने बोला था that I'll make a separate episode on this specific specialization. वैसे MBA जो है वो बहुत common specialization, marketing, finance, HR, IT, इंटरनेशनल बिजनेस, बट ये जैसे एग्री हो गया, रूलर हो गया, फैशन मैनेजमेंट हो गया, ये थोड़ी सी यू नो नीच स्पेशलाइजेशन है जिसको बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट नहीं करते. एंड आप कॉलेजेस भी देखेंगे तो बहुत कम है. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कंटेंट देख रही थी, बहुत सारी जगह लिखा था टू गेट इनटू एडमिशन इनटू IIMs IITs, बट IIMs IITs कराते ही नहीं है. यू विल फाइंड मेजरली प्राइवेट कॉलेजेस एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो MBA फैशन मैनेजमेंट में कराती है. बट पहले समझते हैं दैट MBA फैशन मैनेजमेंट में होता क्या है. यहाँ पे दो वर्ड दिया हुआ है. मैं भी रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी कल, राइट, सब्यसाची हेडक्वार्टर्स का विच इज़ इन कोलकाता. एंड रिसेंटली इफ़ यू कैन रिकॉल बिकॉज इंस्टाग्राम पे रील्स भी चल रही हैं दैट मेट गाला पे यू नो आलिया ने सब्यसाची पहना. बट अगर आप सब्यसाची की स्टोरी देखोगे तो ऐसा नहीं है दैट ही वॉज हैविंग दैट बचपन से वेरी पॉपुलर एंड कोई ऐसा बैकग्राउंड है फैमिली का फैशन का. ही क्रिएटेड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. एंड सब्यसाची को एक मतलब स्टाइल आइकन बनने के लिए यू नो व्हेन अ ब्राइड वेयर सब्यसाची, मतलब बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा दैट सेगमेंट वाइज कि अच्छा हमें कहाँ प्लेस करना है, क्योंकि हर कोई ऑडियंस नहीं है. जो प्राइस पॉइंट है यू नो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है. तो ऐसे में यू नो दो चीज़ें आती हैं जो कि आती हैं विच इज़ बेसिकली दैट मैनेजमेंट ऑफ फैशन मार्केटिंग, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मर्चेंडाइजिंग एंड रील यू नो रिटेल्स. तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे आप क्या फोकस करते हो, डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांड्स इमेज एंड रिकॉग्निशन अमंग द जनरल पब्लिक. अब ये जनरल पब्लिक नहीं है, ये ब्रांड टू ब्रांड डिपेंड करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम जूडियो की बात करें तो यू नो वो मीडियम क्लास फैमिलीज को टारगेट कर रहा है बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर बजट, राइट. अगर हम ब्रांड्स की बात करें जैसे कि गुची की बात करें या सब्यसाची की बात करें या फिर और भी दूसरे ब्रांड्स की बात करें तो वो एक दूसरी तरह की ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं. तो उन्हें जब यू नो उसके लिए कोई ब्रांड मैनेजमेंट करता होगा, राइट, तो सिंपल सी चीज़ है उन्हें ये देखना है कि मैं किस ऑडियंस के नज़र में इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, राइट, रिकॉग्निशन क्रिएट कर रहा हूँ ताकि यू नो मेरा ब्रांड जो है वो उस ऑडियंस तक पहुँचे. और जब भी उनके माइंड में किसी ओकेजन के लिए आए दैट इफ आई हैव टू बाय समथिंग, उनको लगे यार मुझे सब्यसाची खरीदना है, मनीष मल्होत्रा खरीदना है या फिर हैव टू LV और गुची एंड ऑल दीज थिंग्स. सो सिंपल सी चीज़ है कि इस कोर्स में आपको उस फैशन मैनेजमेंट में मैनेजमेंट लेवल पे काम करना पड़ता है जहाँ पे आप डेवलपमेंट ऑफ अ ब्रांड काम करते हो, उसकी इमेज को डेवलप कर रहे होते हो और उसके रिकॉग्निशन को कि वो बार बार लोगों को रिकॉग्नाइज हो. अब इसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे फैशन मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, रिटेल, सम ऑफ द जॉब्स जो ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फैब्रिक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर रहता है, फैशन शो ऑर्गेनाइजर रहता है, फैशन कंसल्टेंट रहता है, फैशन कोऑर्डिनेटर रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें. नहीं अगर हम बात करें, ये 2 साल का कोर्स है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल. इसमें भी सेमेस्टर वाइज सिस्टम होता है. अगर मैं कोर्स के हाइलाइट्स की बात करूँ तो डिपेंड्स ऑन रिक्रूटमेंट कंपनीज, टेक्सटाइल मिल्स, होम फर्निशिंग कंपनीज, डिज़ाइन BPOs, लार्ज रिटेलर्स, ब्रांड मार्केटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस, ई रिटेलर्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, ये सारी लोग हायर करते हैं. बेनिफिट्स पे हम बाद में आएंगे. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल सी चीज़ है, यू नो यूजुअली इन सभी कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपका मिनिमम 50-60% आई ग्रेजुएशन में. यूजुअली ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, IIMs IITs, आई मीन आई डोंट नो देर इज़न्ट एनी IIM जो MBA फैशन मैनेजमेंट में कराता है. तो आपको उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना पड़ता है, उनका टेस्ट होता है और एडमिशन होता है. अब इसके कोर्स में क्या डिफरेंट है मैं आपको ये बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल आप सेमेस्टर वन में बात करेंगे, बेसिक प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड नॉलेज आपको दी जाती है, डिज़ाइन से रिलेटेड, राइट, फैब्रिक से रिलेटेड, राइट, पैटर्न से रिलेटेड. अभी रिसेंटली मैं कॉलेज टूर के लिए गई थी एंड जो कॉलेज था इट्स इन मुंबई, तो उनका यू नो डिज़ाइन का भी कॉलेज है. एंड जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे यू नो स्टूडेंट्स वर क्रिएटिंग डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग. तो आपको उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग फैब्रिक से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड पढ़ाया जाता है. देन प्रिंसिपल्स ऑफ फैशन मार्केटिंग कैसे की जाती है, मर्चेंडाइजिंग कैसे की जाती है, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. देन ये तो बाकी सिंपल सी चीज़ है. आप सेकेंड सेमेस्टर में बात करें ग्लोबल टेक्सटाइल एंड अपैरल प्रोडक्ट मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट, एंड
कंज्यूमर बिहेवियर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिटेल मैनेजमेंट, एडवांस एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग, ऑल दीज प्रोडक्ट यू नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब होते हैं. क्वालिटेटिव टेक्निक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च ये भी काफ़ी कॉमन सब्जेक्ट्स हैं विच इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फैशन मैनेजमेंट. थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड ब्रांड मैनेजमेंट की बात होती है. देन इसके बाद अगर हम बात करें फैशन फॉरकास्टिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होती है. सेमेस्टर फोर्थ में अगर हम बात करें सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड ई बिजनेस की बात होती है. कस्टमर रिलेशन आई मीन दिस इज अगेन अ जेनरिक काइंड ऑफ थिंग. विजुअल मर्चेंडाइजिंग के बारे में बात होती है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात होती है. एमबीए कॉलेजेस की बात करें तो कई सारे पर्ल अकेडमी कराता है, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी है, निम्स है, राइट, IIFTs हैं जो कराते हैं, MIT यूनिवर्सिटी, MIT आर्ट डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी. अगर आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अपने बजट के अकॉर्डिंगली जानना चाहते हैं अगर आपके लिए MBA इन फैशन मैनेजमेंट में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बिकॉज कॉलेज की वेबसाइट्स पर जो डिटेल्स रहती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्लूडेड होती हैं. बट दीज आर फ्यू कॉलेजेस जो कराते हैं. कुछ के नाम मैंने सुने हैं, कुछ के नाम मैंने नहीं सुने हैं, राइट. जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं अलग अलग, जैसे अपैरल मर्चेंडाइजर, डिज़ाइन मैनेजर, राइट, देन मार्केटिंग मैनेजर, ब्रांड मैनेजर, विजुअल मर्चेंडाइजर, एक्सपोर्ट सेल्स मैनेजर. एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. अगर आपको लगता है कुछ मैंने मिस आउट किया, राइट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई डेफिनेटली मेक अनदर एपिसोड. एंड लाइक, शेयर एंड फॉलो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.